हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिदलवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। 1 जुलाई से GST एप्लीकेबल होने वाला है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी और हम में से मोस्टली लोग रेडी नहीं है 1 जुलाई से GST के लिए। लेकिन कुछ 5-6 स्टेप्स ऐसे हैं कि वो आप कर लोगे तो आपका काम 1 जुलाई से चले जाएगा। और इस सीरीज में मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश की है कि आपको अपने लेजर्स में क्या चेंजेस करने हैं टैली के, फिर आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज GST में क्या होने वाली हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी आपके लिए होगी कि आपको अपना इनवॉइस बनाना होगा 1 जुलाई को। जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी, सेल या परचेज, तो आप या तो क्रिएट करेंगे, आपको इनवॉइस मिलेगा। तो उस इनवॉइस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, साथ ही उस इनवॉइस की फॉर्मेट क्या होगी। 16 आइटम्स ऑलरेडी GST रूल्स ने प्रिस्क्राइब किए हैं जो एक GST इनवॉइस में होने चाहिए, और उनमें से अधिकतर आइटम्स वही है जो पहले भी इनवॉइसेज में होते थे। सिर्फ चेंज कहाँ पे है वो हमें एक बार देखना है, और साथ ही जो चेंज है उसको हमें किस तरीके से अपनी इनवॉइस के अंदर एंटर करना है वो हमें यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो GST का इनवॉइस होगा उसमें 16 आइटम्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आप अभी एक बार लिस्ट देख सकते हो। तो ये सारे के सारे आइटम्स आपकी GST इनवॉइस में होने चाहिए। इसमें स्पेसिफिक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे पहले, तो आपकी जितनी भी ब्रांचेस थी वो एक कॉमन इनवॉइस यूज़ करती थी और जिसमें कि आपका सेंट्रलाइज सर्विस टैक्स का नंबर होता था। लेकिन GST में स्पेशली आप लोगों को समझना होगा कि अगर आपकी 3 या 4 ब्रांचेज हैं तो हर ब्रांचेज को अपनी अलग इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उनकी इनवॉइस की बुक या उनका जो इनवॉइस का फॉर्मेट है वो डिफरेंट होगा और उस पर उनका खुद का इनवॉइस, खुद का GST नंबर होगा। साथ ही क्योंकि उनको रिटर्न भी अलग फाइल करनी है, तो जो इनवॉइस वो बुक करेंगे, यानी कि जो इनवॉइसेज उनको मिलेंगे, जो वो बुक करेंगे इनवॉइसेस, उन पे भी उन्हीं का GST लिख के आया होना चाहिए, तभी वो उनको बुक करके वहाँ पे उसका क्रेडिट ले पाएंगे। अगर GST किसी और ब्रांच का आ गया है तो वो फिर उसी रेस्पेक्टिव ब्रांच में बुक होगा। अब GST में आपको ये भी सिंक्रोनाइज करना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि जहाँ की इनवॉइस है उसी ने वो सर्विसेज रिसीव भी की हों। तो इस केस में आपको दोनों को सेम रखना होगा, यानी कि वही ब्रांच के नाम से इनवॉइस आना चाहिए और वही ब्रांच को रिसीव भी होनी चाहिए वो सर्विसेज, उसके बिना वो GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो इनवॉइस है उसमें आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना है, और प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस अभी भी 90% लोगों को क्लियर नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ज़रूरी है कि आप करेक्टली मेंशन करो। अगर आपने करेक्टली प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन नहीं किया तो फ्यूचर में आप पे लाइबिलिटी आ सकती है सही टैक्स पे करने की, क्योंकि आप प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक से डिटरमिन नहीं करोगे तो आप गलत टैक्स पे कर दोगे। और अगर आपने CGST SGST की जगह IGST और IGST की जगह CGST SGST पे कर दिए तो आप उनको फ्यूचर में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको सही टैक्स पे करना होगा, और फिर जो आपने गलत पे कर दिया था उसका आपको रिफंड क्लेम करना होगा। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिफंड क्लेम करने की डेट रेलिवेंट डेट से 2 साल तक है, लेकिन डिमांड रेज करने का जो राइट है डिपार्टमेंट के पास वो 3 साल तक है नॉन फ्रॉड केसेस में, एंड फ्रॉड वाले केसेस में वो 5 साल तक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि मैं टैक्स ठीक से चार्ज करूँ, तो आपको ज़रूरी है कि आपकी जो आउटपुट सर्विसेज या आपकी आउटपुट सेल है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक हर ट्रांजेक्शन में आपके प्लेस ऑफ सप्लाई आइडियली क्या होना चाहिए, आप उसको अभी एक बार जजमेंट करो कि मुझे इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखना है। क्योंकि GST में टैक्स की डिटर्मिनेशन लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंडेंट है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट भी प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, वो अलग भी हो सकती है। साथ में यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना होगा कि GST में आपका अगर प्लेस ऑफ सप्लाई किसी और स्टेट का है और रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन किसी और स्टेट में है, तो उन्हें उस बिल पे जो टैक्स लगा है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इनवॉइस का फॉर्मेट अभी हमारी साइट पर अवेलेबल है और वो फॉर्मेट हम आपको अवेलेबल भी करा सकते हैं। तो आपका GST इनवॉइस कुछ कुछ इस तरीके दिखेगा। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा GST इनवॉइस का। इसमें अभी जैसे आप अपना करंट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, उसकी जगह आप GST का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। साथ में जो एक अलग फील्ड था प्लेस ऑफ सप्लाई में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिटेल देनी है। और अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो क्योंकि आपको रिटर्न में भी HSN कोड मेंशन करने होंगे, तो वो HSN कोड का एक कॉलम आपको अपने इनवॉइस में बनाना चाहिए अगर आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है। साथ में अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट सप्लाईज को आप एक ही इनवॉइस में कवर कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मतलब आपको राइट है कि आप अलग अलग सप्लाईज को यहाँ पे कवर कर सकते हो। अगर आप एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों सप्लाई कर रहे हो मिक्स,
तो उसमें से जो एग्जेम्प्टेड वाला पोर्शन है वो भी आप सेम इनवॉइस के अंदर उनको लिख के उन पे टैक्स रेट आप कुछ भी नहीं डालेंगे, तो वो भी आप सिंगल इनवॉइस में भी कवर कर सकते हो। ऑल दो जहाँ पे आप प्योर एग्जेम्प्टेड कर रहे हो वहाँ पे आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है इनवॉइस की जगह पे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे हमारे इनवॉइस को लेके, और इनवॉइस का फॉर्मेट ऑलरेडी आपको हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो फिर आपके लिए भी जरूरी है कि आपकी जो बिल बुक है आप उनको पहले से ही पब्लिश करके रखें, प्रिंट करा के रखें, और 1 जुलाई से ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। साथ ही मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला था कि आपके जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो आप शेयर करें दूसरों के साथ और उनसे भी उनके नंबर ले लें, वरना उसके बिना आप 1 जुलाई को बिल नहीं काट पाएंगे, या फिर आपको बाद में रिवाइज करना होगा तो अल्टीमेटली आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो ये आप अभी ज़रूर कर लें। तो इनवॉइस में आपको ये इंपॉर्टेंट फील्ड रखने ही है। तो काफ़ी फील्ड पुराने वाले ही हैं, आपका GSTN, आपका बिल टू एड्रेस और शिप टू एड्रेस, अगर दोनों अलग अलग हैं तो सेम भी हैं तो आपके दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे। जहाँ पे आपका बिल टू एड्रेस और शिप टू एड्रेस अलग अलग हैं वहाँ पे आपको जो बिल टू एड्रेस है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, यानी कि जिससे आपका ऑर्डर रिसीव हुआ। जहाँ पे वो दोनों सेम है तो जहाँ पे आपने गुड्स को डिलीवर किया वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही डिटरमिन करना होगा आपके लिए। तो 1 जुलाई से आपने अगर इन्वॉइस सही अपना रेज कर लिया सही टाइम पे और सही रेज कर लिया, इन्वॉइस रेज करने का टाइम क्या है गुड्स के केस में, जब आप उनको डिस्पैच कर रहे हैं डिलीवरी के लिए उसी वक्त या उससे पहले आपको इन्वॉइस रेज करना है। सर्विसेज के केस में आप जब रेंडर कर रहे हो सर्विसेज को तो आप 30 डेज के अंदर कर सकते हो, वहाँ पे आपको उन्होंने राइट दिया है 30 डेज की टाइम लिमिट है। तो ये प्रोविजन्स थे हमारे 1 GST के टैक्स इन्वॉइस से रिलेटेड। तो इसी तरीके से आप हमारा चैनल देखते रहिए, और 1 जुलाई से GST आने वाला है, तो आप सबको GST के लिए रेडी रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।